हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल फाइव साई पर। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में अब हम लोग रिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे। आपने देखा कि पिछले 10 लेक्चर्स में हमने, यार बाकी छोटे छोटे लेक्चर थे वो, उसमें हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, दो चार न्यूमेरिकल्स भी किए। अब फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं रिफ्रैक्शन पे। ओके, तो रिफ्रैक्शन क्या होती है पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, सपोज हमारे पास ये एक इंटरफेस है। अब ये इंटरफेस क्या होता है, ठीक है जी, ये इंटरफेस क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। देखिए, इंटरफेस वो होता है, इंटरफेस एक ऐसी बाउंड्री है जो दो मीडियम्स को सेपरेट करती है। सपोज यहाँ पे जो ऊपर वाला मीडियम है वो हमारे पास एयर है, और जो ये नीचे वाला मीडियम है वो ग्लास, ओके, ऐसा है हमारे पास। ओके, अब जब भी लाइट ग्लास से एयर या एयर से ग्लास, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो जो इंटरफेस होता है, यानी कि एक ऐसा सरफेस जो दोनों मीडियम्स को सेपरेट करता है, वहाँ पे लाइट जो है वो बेंड हो जाती है, यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, तो क्या लिखेंगे हम रिफ्रैक्शन के बारे में? रिफ्रैक्शन के लिए लिखेंगे द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस डेफिनेशन में। ओके ओके, हाँ एक और इसमें ये थिंग, देर इज वन केस, लाइट शुड नॉट फॉल ऑन द इंटरफेस इंटरफेस नॉर्मली। देखिए, अगर नॉर्मली लाइट पड़ती है इंटरफेस पे तो बेंड नहीं होती। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब सपोज ये मीडियम है, इस मीडियम पे अगर एक इमेजिनरी लाइन बना दी जाए तो उस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं नॉर्मल। ओके जी, उस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं नॉर्मल, अगर एक इमेजिनरी लाइन बना दे और वो इमेजिनरी लाइन जो है वो सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए। ओके, उसको हम कहते हैं नॉर्मल। ओके, सपोज यहाँ से एक लाइट रे आई, ओके, और इस पॉइंट पे टकराई जिस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल है हमारा। ओके, तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, दिस इज इंसिडेंट रे। ओके, और यहाँ से ये रे जो होती है, ये जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ओके, ये एंगल जो हमारे पास आ गया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, और ये कहाँ पे हो रही है? जब लाइट इंटरफेस पे पड़ रही है जो दो मीडियम को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो मीडिया लिखा है, इट इज़ अ प्लूरल वर्ड, एक मीडियम हो, एक हो तो मीडियम, अगर एक से ज़्यादा हो तो उसको मीडिया कहते हैं। ओके, ठीक है जी, ये तो हो गया रिफ्रैक्शन। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। ओके, हाँ, ये बेंडिंग जो है वो नॉर्मल की तरफ को होती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, वो हम थोड़ी देर के बाद स्टडी करेंगे। ओके, नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या होते हैं जी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, ओके, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
पॉइंट ऑफ सॉरी इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. ओके दिस इज द फर्स्ट लॉ. नाउ द सेकंड लॉ, द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट. ओके इट मीन्स इट सेज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is equal to f, it is a constant. Now what is this constant? This constant, first of all I write this constant, this is n to 1. और ये क्या मतलब है इसका? It means refractive index of सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड इट इज अ कॉन्स्टेंट इफ अदर कंडीशन आर कॉन्स्टेंट. ओके दिस पर्टिकुलर इक्वेशन साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू एन टू वन दैट इज रिफ्रैक्टिव, दिस रिलेशन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ. दिस इज स्नेल्स लॉ. ओके नाउ दिस रिलेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज एन टू वन. फर्स्ट डेफिनेशन इज दैट इट इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, बट इट ऑल्सो इक्वल टू वी वन डिवाइड बाय वी टू. Okay, now what is this? That it means velocity of light in first medium divided by velocity of light in second medium. Okay. तो इसमें हम ये दे सकते हैं कि ये जो बेंडिंग हो रही है, इस बेंडिंग की मेन वजह यही है कि दोनों मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है. ये भी बोल सकते हैं कि जो दोनों मीडियम है हमारे पास उनमें लाइट की वेलोसिटी अलग अलग है. तो अगर आपको कोई पूछे कि रिफ्रैक्शन का मेन कारण क्या है, रिफ्रैक्शन का मेन कारण ये है कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है. ओके जी. ओके अब हमने देखा ये आ गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब यहां पे हम एक और चीज डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of material with respect to vacuum, with respect to vacuum is called absolute refractive index. Okay, it means that हमने यहाँ पर पहला मीडियम तो एयर कंसीडर किया था और दूसरा मीडियम ग्लास कंसीडर किया था. अगर मैं पहले मीडियम को मान लूँ कि पहले मीडियम कोई है ही नहीं, वहाँ पे वैक्यूम है, तो जो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का डिफाइन करूँगा उसको बोलूँगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके तो यानी कि जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ पर है? वो है वैक्यूम में. तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज़ करूँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू
सी बाय बी। अब ये सी बाय बी क्यों? क्योंकि फर्स्ट मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है वो क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और सी की वैल्यू आपको पता कितनी होती है, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। अब सी आ गया फर्स्ट मीडियम, और बी देखिए, जब आप कोई कैमरा खरीदते हो या कोई नई कोई कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो, अगर वहाँ पे किसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है तो एक बार याद रखना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है, यानी कि वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट टू उसको डिफाइन किया गया होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, उसमें ये वैल्यू होती है लाइट की वेलोसिटी की। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं ऑन विच नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस, हाँ एक और बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी डिनोट करते हैं। ओके, कहीं कहीं म्यू से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं से, दोनों सही है। ऑन विच एन डिपेंड्स, ठीक है जी, पहली चीज किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मीडिया। ठीक है, मीडियम कैसा है, इसका मतलब अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब मटेरियल ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट तो होनी चाहिए। ओके, टेम्परेचर, अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता है, ये बात याद रखिए। तीसरा, वेवलेंथ, लेकिन किसकी, लाइट की, और लाइट की वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, ओके वो देखते हैं, लाइट की वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे ही अगर वेवलेंथ इंक्रीज करे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है जी, तो इस लेक्चर में आपने देखा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, आपने ये भी देखा कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, आपने ये देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो अगले लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसके अलावा लेटरल शिफ्ट क्या होती है, और प्रिंसिपल और रिफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है, अपेरेंट शिफ्ट, और कुछ फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे जो कि रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।